फैशन क्वीन सोनम कपूर 9 जून यानी कि आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सोनम कपूर 37 इयर्स की हो चुकी हैं और आए दिन वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती रहती हैं। अपनी बेबाक राय रखने वाली सोनम कपूर शादी से पहले कई बार विवादों में फंस चुकी हैं। तो चलिए उनके जन्मदिन के खास मौके पर बताते हैं आपको इनसे जुड़े कुछ विवाद। सबसे पहले बात करते हैं सोनम कपूर साल 2009 में जब लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी तो ये बात ऐश्वर्या राय को रास नहीं आई। दरअसल इस कंपनी से ऐश सालों से जुड़ी थी, वो इसका चेहरा थी। ऐश के एतराज को लेकर सोनम कपूर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने बेबाकी से बोल दिया था कि ऐश्वर्या गुजरे जमाने की आंटी हैं और इसके बाद उन्होंने इसे लेकर क्लियर करने की भी कोशिश की थी। उन्होंने बोला था कि ऐश्वर्या ने मेरे पिता के साथ काम किया था तो मैं उन्हें आंटी ही कहूंगी ना। ये मामला उस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ था। इसके अलावा सोनम कपूर जब अपनी फिल्म प्लेयर्स का प्रमोशन कर रही थी इस दौरान उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाकर सबको हैरान कर दिया था और उस वक्त उनके साथ मंच पर थे अभिषेक बच्चन और बिपाशा बसु। सोनम कपूर ने एक सवाल पर मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहा था कि मैं सेंसरशिप पर यकीन नहीं रखती हूँ, तो भले ही ये किसी को पसंद आए या फिर नहीं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और सोनम कपूर की इस हरकत पर सेंसर बोर्ड ने भी आपत्ति जताई थी। और इसके अलावा रॉक स्टार, ये जवानी है दीवानी, बर्फी जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले रणबीर हमेशा से ही अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं। पिता के साथ रिलेशनशिप की बात हो या रणबीर कपूर के अफेयर की, ये हमेशा से ही लगातार सुर्खियों में रहे हैं। रणबीर कपूर को लेकर सोनम कपूर ने एक विवादित बयान दिया था। सोनम और रणबीर ने एक ही मूवी से सावरिया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और इस वक्त दोनों के डेट करने की खबर भी खूब फैली थी। और एक इंटरव्यू में सोनम ने डेट के सवाल पर कहा था कि रणबीर कपूर बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है। पता नहीं कैसे दीपिका इतने समय से उनके साथ थी और उनका ये बयान भी खूब सुर्खियों में रहा था। और हाल ही में सोनम कपूर हिजाब विवाद में भी फंस गई थी। सोनम ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि हिजाब और पगड़ी पहनना एक चॉइस हो सकती है। दो तस्वीर के जरिए उन्होंने इस विवाद को हवा दी थी। उन्होंने एक पगड़ी पहने सिख की तस्वीर शेयर की जिस पर लिखा था ये चॉइस हो सकती है, वहीं दूसरी तस्वीर में महिला हिजाब पहने दिख रही थी और उस पर लिखा था लेकिन ये नहीं हो सकती। सोनम को इसे लेकर काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। इसके अलावा भी सोनम कपूर अपने बयानों की वजह से खूब सुर्खियों में बनी रहती हैं। फिलहाल सोनम कपूर इस समय अपना बेबी मून एंजॉय कर रही हैं और आपको बता दें सोनम जल्द ही आपको गुड न्यूज भी देने वाली हैं।